एक माह तक चलने वाले यातायात माह के समापन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन यातायात कार्यालय पर किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि यातायात माह के दौरान कुल 6,136 वाहनों का चालान करते हुए 13,40,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जिले के 20 से अधिक स्कूलों में यातायात संबंधित जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्कूली छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात पुलिस अधीक्षक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि इस दौरान काली मंदिर, पुलिस लाइन, अंबेडकर चौराहा, शास्त्री चौक, बेतिहाता चौक तथा हावर्ड बांध सहित अन्य चौराहों से अतिक्रमण हटाया गया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बेहतरीन कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समापन समारोह के दौरान यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार राय, विनोद कुमार सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, जी आप क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमने मुख्य अतिथि नहीं बोला, फिर भी आप हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करते हैं। मैं ये कम समय है, 6,136 सीज किए गए वाहनों की संख्या साथ कुल समय प्रदेश का एक रिकॉर्ड था। साथ साथ हम लोगों ने जनमानस में वाहन चालकों में स्कूली के छात्र छात्र, उसके पश्चात हम लोगों ने अतिक्रमण भी हटाया, जो काली मंदिर से गोलघर, रोडवेज से सीएस चौराहा, हमारी एसपी महोदया अपने स्नेह एवं आशीर्वाद से सिंचित करें। इसके पहले जिन लोगों ने बहुत कार्य किया, इस यात्रा जी हमारे साथ सभी स्कूलों में जाते रहे और डेट लेते रहे, अभी चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन आप केंद्र जी को, और एकदम सड़क पर मुस्कुराए होकर ड्यूटी करने वाले जिसका है, हाँ आदरणीय विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी साहिबा। हाँ ये हमारे मुख्य बहुत ही कर्मठ और आप ही के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इतना खूबसूरत एसपी साहिबा के कर कमलों द्वारा प्रशस्त पद प्राप्त करते हुए गीता कुशवाहा जी अजय पासवान जी अजय पास के साथ, और जल्दी कीजिए वो हमारी एसपी साहिबा को अपने कर कमलों द्वारा एक स्मृति, जैसा कि आपको पता है कि एक वीवीआईपी किला है और इसमें लगातार हम लोग की व्यस्तता बनी रहती है और बहुत सारे वीवीआईपी प्रोग्राम सभी आगे पेंडिंग है, हाल ही में होने वाले हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी खासा व्यस्त हैं सभी अधिकारी। इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बहुत ही कम समय में ये अरेंज किया गया है। कल जब मुझे याद आया कि एकदम से ये तो लास्ट डे है, तो फिर मैंने कई बार को बोला भी कुछ तो होना चाहिए समापन के तौर पे, ताकि जो हमारे लोग हैं, ट्रैफिक के भी जो लोग हैं और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं पब्लिक से और जो हमारे 90 FM लाभिला के सदस्य हैं, इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले की है यातायात माह के दौरान। हमारे संजय जी और ये विभिन्न स्कूलों में गए, हमारे ट्रैफिक पीआई के साथ में और अधिकारियों के साथ में, और 22 स्कूल जैसे उन्होंने बताया उसमें उन्होंने अवेयरनेस कराई, साथ में लाओ 90 FM लाउडहेलर, इन्होंने भी अभी एक हफ्ते से काफ़ी अच्छा अभियान चला रखा था और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चौराहे थे शहर के, उसको उन्होंने कवर किया और लोगों में अपने तरीके से, इनका एक अलग तरीका था, उस तरीके से उन्होंने लोगों में ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की। इसी तरह से हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हम गोरखपुर में ट्रैफिक सेंस एक लोगों में डेवलप कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में ट्रैफिक की दृष्टि से एक व्यवस्थित यातायात हम देने में सफल होंगे। जैसा कि आपको संज्ञानित है कि माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष भी माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया गया था और विभिन्न स्कूलों में जाकर के यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी, इसमें हमारे वॉलंटियर्स और भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। इसके साथ में हमारे जो पब्लिक के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी हमारे कर्मचारियों के साथ जाकर के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता फैलाई है।
इसमें हम लोगों ने काफ़ी जगहों से अतिक्रमण भी हटाया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरे गोरखपुर को अतिक्रमण मुक्त कर सकें। इसमें हम विभिन्न डिपार्टमेंट जो इसमें हमारे सहयोगी रहते हैं, चाहे नगर निगम हो या फिर आरटीओ डिपार्टमेंट हो या फिर ये सब परिवहन विभाग हो, उन सभी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उनके सहयोग से हम लोग आगे भविष्य में गोरखपुर को एक जाम मुक्त यातायात प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे, ये मेरी कामना है। और मैं चाहूँगी कि गोरखपुर की जनता इसमें हमारा सहयोग करे और अपनी जो भूमिका है उसमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करे। कि नो बेंडिंग जोन अभी तो हम लोगों ने यहाँ से काली मंदिर से लेकर के और शास्त्री चौक तक के लेन को उन्होंने नो बेंडिंग जोन घोषित किया है और यहाँ पे जो लोग ठेले कुमचे लगा रहे थे उनको नगर निगम ने अपनी ज़मीन में जगह दी है। इसके अलावा और भी जगह हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डीएम साहब के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और ताकि उनका भी नुकसान ना हो और यातायात भी सुगम बना रहे। अपने डिपार्टमेंट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको एक सफल अभियान बनाया है ट्रैफिक बंद को, उन सभी को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया है और मैं चाहूँगी कि और भी लोग हमसे जुड़ें, अच्छा काम करें, ट्रैफिक दुरुस्त करने में हमारी मदद करें। और मैं अपने कर्मचारियों को भी चाहूँगी कि और भी ज़्यादा लोग सम्मानित किए जाएं। मुझे खुशी होगी अगर मेरे सभी कर्मचारी अच्छा योगदान करें और उन्हें सम्मान मिले।